अपाहिज रामदीन शहर के एक गरीब बस्ती में रहता था। उसकी पत्नी कई साल पहले ही भगवान को प्यारी हो चुकी थी और वह अपने दो बच्चों आसू और अंशिका का पालन पोषण खुद ही कर रहा था। वह एक मोची था और साहब, जूतों की मरम्मत ही करनी है या उन्हें पॉलिश भी कर दूं? हाँ भाई, अच्छे से मरम्मत करके पॉलिश भी कर देना। ठीक है साहब। यह कहकर रामदीन उसके जूतों की मरम्मत करके उन पर पॉलिश कर देता है और फिर ग्राहक उसे पैसे देकर चला जाता है। उसके जाते ही रामदीन का बेटा आसू वहां आ जाता है और बापू, खाना लाया हूँ, अब पहले खाना खा लो और जो काम करना है उसे बाद में करना, समझे? समझ गया मेरे दादा, तुझे अपने से ज्यादा मेरा ख्याल रहता है। रहे क्यों नहीं, आप बापू हैं हमारे और हमें आपसे प्यारा दुनिया में है ही कौन। जीता रहे बेटा, तेरी ये बड़ी बड़ी बातें सुनकर तबीयत खुश हो जाती है। शाम को रामदीन काम से घर लौटता है तो आशु और अंशिका पढ़ रहे होते हैं। बच्चों को इस तरह पढ़ते लिखते देखकर रामदीन का मन खुश हो जाता है। बहुत अच्छा मेरे बच्चों, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ोगे तो जीवन सवर जाएगा। बापू, देखना मैं बहुत पढ़ूंगा और एक दिन पायलट बनूंगा। ये पायलट क्या होता है बेटा? वही बापू, जो आसमान में हवाई जहाज उड़ाता है। अच्छा, भगवान करे बेटा तू पायलट ही बने। इस तरह रामदीन मोची का काम करके अपने बच्चों को किसी तरह पाल रहा होता है कि तभी एक दिन सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है और बापू बापू, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता बापू। मुझे भी आपके बिना नहीं रहना है बापू, मुझे भी आपके साथ जाना है। बच्चों का यह विलाप देखकर वहां खड़े लोगों की आंखें भर आती है और वे भैया, रामदीन के बच्चों का विलाप तो देखा नहीं जा रहा, जल्दी से इसकी अर्थी को उठाओ वरना बच्चे रोना बंद नहीं करेंगे। ये ठीक कहते हैं, बच्चों का ख्याल करो और रामदीन के दाह संस्कार में अब और देरी न करो। इस तरह की बातें चलते ही लोग उस समय रामदीन के शव को दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं और उसका दाह संस्कार कर देते हैं। इसके कई दिन बाद भैया, अब हम क्या करेंगे, बापू तो रहे नहीं, अब मुझे खाना कौन खिलाएगा। तू रो मत बहन, तुझे खाना मैं खिलाऊंगा और तेरी पढ़ाई लिखाई भी कराऊंगा, समझी? पर तुम पैसे कहां से लाओगे? मैं मोची बन जाऊंगा अंशिका, मैं बापू की दुकान पर बैठूंगा और पैसे कमाना शुरू कर दूंगा। उस दिन के बाद आसू अपने पिता के ठिकाने पर बैठकर मोची का काम करने लगता है। जूते चप्पल ठीक करा लो, आओ भाई आओ, जूतों पर पॉलिश करा लो, मैं शीशे से जूते चमकाऊं, पुराने जूतों को नया बनाऊं। आसू का यह गाना सुनकर अमन नाम का एक युवक वहां आता है और क्यों बे, तू तो यहाँ नया नया लग रहा है, पहले तो यहाँ कोई बुजुर्ग बैठता था, वो काम छोड़ गया क्या? वो तो ये दुनिया ही छोड़ गए हैं साहब। यह कहकर आसू की आंखें भर आती है और फिर वह अमन को अपने पिता की मौत के बारे में बताता है। होनी को कौन टाल सकता है बेटा, गरीब को हमेशा ही भगवान दो चोट फालतू मारता है, इसीलिए अपना काम ईमानदारी से करना ताकि दो रोटी के लिए किसी के आगे भीख ना मांगनी पड़े। आशू अपने काम पर पूरा ध्यान देता है और धीरे धीरे उसकी कुछ आमदनी भी होने लगती है। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता रहता है और खुश होकर घर लौटता है। भैया, आज मेरे लिए क्या लाए? तुमने सुबह क्या लाने के लिए बोला था? गर्मा गर्म जलेबियाँ। तो फिर वही तो लेकर आया हूँ। तुम बहुत अच्छे हो भैया, तुम्हें मेरी हर बात याद रहती है। अंशिका की यह बात सुनकर आशु भावुक हो जाता है और फिर उसे समझाते हुए कहता है,
तुझे याद नहीं रखूंगा तो और किसे याद रखूंगा बहन, तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन। भैया बापू की बहुत याद आती है। हाँ बापू तो मुझे भी बहुत याद आते हैं। इस तरह दोनों भाई बहन एक दूसरे के सहारे जीवन जीने की कोशिश करते हैं। आशु को अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ने का दुख तो बहुत होता है, मगर वह खुद को संभाल लेता है और हमेशा अंशिका के बारे में ही सोचता रहता है। अगर थोड़ा काम और चल जाए तो इतना पैसा तो मैं जमा कर ही सकता हूँ कि अंशिका का दाखिला किसी अच्छे से स्कूल में हो जाए। यही सोचकर वह अपने काम पर और अधिक ध्यान देता है और शाम को देर तक सड़क किनारे बैठकर काम करता रहता है, लेकिन फिर भी इतना पैसा जमा नहीं कर पाता कि उसे किसी अच्छे स्कूल में भर्ती करा सके। हम गरीब कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, पर अमीरों का मुकाबला नहीं कर सकते अंशिका। क्यों भैया? क्योंकि मैंने दिन रात एक करके देख लिया, मगर फिर भी इतने पैसे जमा नहीं कर पाया कि तुझे किसी अच्छे स्कूल में भर्ती करा सकूं। आप दुखी ना हो भैया, मुझे तो गरीबों वाले स्कूल में ही पढ़ना अच्छा लगता है। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और फिर साल का अंतिम महीना आ जाता है। लोग नए साल का उत्सव मनाने की तैयारी में लग जाते हैं। लोगों में नए साल के प्रति उमंग और उल्लास देखकर अंशिका का मन भी नया साल मनाने के लिए उत्सुक हो जाता है और वह, भैया मुझे नया साल मनाना है। तो शौक से मनाओ, मैं कब मना करता हूँ। आशु की यह बात सुनकर अंशिका थोड़ी नाराज हो जाती है और फिर, बापू होते तो ऐसा कभी न कहते। बापू नए साल पर मुझे ढेर सारी चीजें दिलाते थे और तुम? और मैं तुम्हें कुछ नहीं दिलाना चाहता, यही कहना चाहती है ना? हाँ, यही कहना चाहती हूँ। अंशिका के ये कहने पर आशु हंसते हुए उसे मनाने में लग जाता है और अरे मेरी पगली बहन, मैं किसके लिए कमाता हूँ, तेरे लिए ही ना, इसलिए तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ और बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगा, फिर हम दोनों अपने घर की खूब सजावट करके नया साल मनाएंगे। सच भैया? और नहीं तो क्या। उस दिन आंसू के मन में नया साल मनाने की उत्सुकता बनी रहती है और वह शाम तक का समय बड़ी मुश्किल से ही काट पाता है। बाजार में जाकर अंशिका के लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ खरीदता है। उधर अंशिका भी आशु के घर लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है, लेकिन घर वापस लौटते समय आशु अचानक ही एक कार से टकरा जाता है। बच्चों को ज्यादा गहरी चोट नहीं आई है मिस्टर आनंद, कुछ देर में होश आ जाएगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है डॉक्टर। ना जाने किसका बच्चा है। कोई गरीब घर का बालक लगता है रजनी। कुछ देर बाद आशु को होश आ जाता है और आनंद और उसकी पत्नी आशु से उसके बारे में पूछते हैं, तो वो रोने लगता है। फिर रोते हुए उन्हें अपने और अपनी बहन अंशिका के बारे में सब कुछ बता देता है। उसकी व्यथा कथा सुनकर आनंद और उसकी पत्नी को उन पर बहुत तरस आता है। बेटा, भगवान ने तुम दोनों भाई बहन को बहुत दुख दिए हैं। मगर तुम चाहो तो तुम्हारे सब दुख तकलीफ खत्म हो सकते हैं, क्योंकि हम तुमको गोद लेने को तैयार हैं। हाँ बेटा, हमारी अपनी कोई संतान नहीं है और आज हम नए साल पर अनाथ आश्रम से कोई बच्चा गोद लेने के लिए जा ही रहे थे कि रास्ते में हमारी कार से तुम टकरा गए। शायद भगवान हमें तुमसे मिलाना चाहता था, इसीलिए ये घटना घटी। आनंद और रजनी की प्यार और ममता भरी बातें सुनकर आशु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह, क्या आप सच में ही हम अनाथ भाई बहन के माता पिता बनने के इच्छुक हैं? हाँ बेटा, अगर तुम दोनों खुशी से हमारे बेटा बेटी बनना चाहो तो हम तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हम तुम दोनों को खूब पढ़ाएंगे और माता पिता के प्यार में कभी भी कमी महसूस नहीं होने देंगे। आनंद और रजनी के प्यार और ममता को देखकर आशु और अंशिका दोनों उनके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह अनाथ बच्चों को माता पिता मिल जाते हैं और फिर सब मिलकर उत्साह और उमंग के साथ नया साल मनाते हैं।